क्या होती है कॉकटेल ड्रग्स? स्वास्थ्य मंत्रालय ने 156 दवाओं पर क्यों लगाया है प्रतिबंध? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 156 कॉकटेल ड्रग्स को बैन कर दिया है। इनमें बुखार, दर्द, सर्दी, जुखाम, एलर्जी, मल्टी विटामिन समेत कई दवाएं शामिल हैं। ये सभी दवाएं आसानी से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हैं और लगभग हर घर में यूज होती हैं। आपको बता दें कि सरकार ने इन दवाओं पर बैन क्यों लगाया है और ये कॉकटेल ड्रग्स क्या होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन दवाओं पर बैन लगाया है उनमें एक से ज्यादा दवाइयों का मिश्रण होता है। इन्हीं दवाओं को कॉकटेल ड्रग्स कहा जाता है। मेडिकल भाषा में इन दवाओं को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। सरकार ने इन दवाओं को बैन करने के पीछे का कारण बताया है कि इनके इस्तेमाल से साइड इफेक्ट्स का खतरा रहता है। केंद्र सरकार ने कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के सेशन 26A के तहत इन दवाओं के निर्माण, उनको बेचने और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाती है। सरकार ने जिन 156 दवाओं पर बैन लगाया है उनमें पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, टोरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन की दवा शामिल हैं। इसके अलावा एसीक्लोफेनाक 50 mg और पैरासीटामोल 125 mg कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट शामिल हैं। मेफेनामिक एसिड और पैरासीटामोल इंजेक्शन सेट्रीजिन HCL और पैरासीटामोल के साथ फेनिलफ्रीन HCL के मिश्रण वाली दवा, लेबोसेट्रिजिन के साथ फेनिलफ्रीन HCL और पैरासीटामोल का मिश्रण, पैरासीटामोल के साथ क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिल प्रोपिनोलामाइन कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 25 mg के साथ पैरासीटामोल 300 mg के मिश्रण वाली दवा पर भी बैन लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन दवाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में FTC को तर्कहीन बताते हुए कहा कि इन FTC दवाओं में दूसरे दवाओं के मिश्रण का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया।